ने तो अपने बारे में यह कहा है अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मैंने इस किताब को नाजिर इसलिए किया है कि ये घटा टोप तारीखियों से हिदायत की तरफ लाने वाली किताब है हिदायत का असल सामान हिदायत का असल जरिया दावत का बुनियादी नुस्खा ये किताब होगी الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد आज के इस इज्तम में मेरे लिए मौजू तय तो किया गया है और तुम ख़ार हुए तारिक्र कुरान होकर ये दरअसल इक़बाल के एक बहुत मशहूर बहुत और बहुत तवील नज्म जवाब शिकवा का एक मिसरा है इससे पहले का मिसरा है वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमा होकर और तुम ख़ार हुए तारीख़ क़ुरआँ होकर दरअसल इस एक शेर में उम्मत के ूज और इतबार का तज्जिया किया गया है नजम के अगर ऊपर के अशार और बाद के अशार के साथ पढ़ा जाए शेर को तो तस्वीर और बहुत वाज हो जाती है इसमें कोई शुभ नहीं कि मुसलमानों के इकबाल की एक बहुत जरनी तारीख़ है और मालूम दुनिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा आला दौर जर्री दौर मुसलमानों का वही दौर कहलाता है जिसमें हर तरफ़ अमन है शांति है तहजीब है तालीम है तहक़ीक़ है इक्तिशाफ है और पूरी दुनिया में उर्जो तरक्की की उस मुख्त उस दौर में जो इकदाम हुए हैं वो सब अपने आप में बेनज़ीर हैं उस इकबाल के ज़माने को, उरूज के ज़माने को भी शोरा ने कलम बंद किया है और उससे उसी उरूज से बहुत लोगों ने अपने उरूज की मंजिलें तय की हैं लेकिन वाक़ ये है कि अब आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उम्मत जिस दौर से गुज़र रही है ये खारी का दौर है और ये खारी भी अपने आप में नहीं आ गई इसके भी बड़े वाज इसब हैं इसबाब का सभी लोग तज़िया कर रहे हैं कोई तालीम की कमी बताता है कोई इकतदार का खोजाना बताता है कोई हौसले की कमी बताता है इकबाल ने यह कहा है कि इसका असली सबब यह है कि ये क़ुरान का सिरा हाथ से छूट गया हम ख़ार हुए कुरान होकर यह बात जो इकबाल ने कही है बिल्कुल सच्ची बात है और ये इकबाल का कोई अपना नज़रिया या फ़लसफ़ा नहीं बल्कि सही तौर पर ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तर्जुमानी है कि आपने आखिर वक्त में बहुत ताक़द के साथ ये बात कही थी कि मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़े जाता हूँ अगर तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी हार ना होगे कभी रसवा ना होगे लेकिन वाक़ ये है कि उसी मजबूत रिश्ते का सिलसिला छूट जाने की वजह से ऐसा हुआ ये रिश्ता टूटा कैसे इतना महकम इतना मज़बूत नुस्खा हमारे हाथ में होने के बावजूद हमारे हाथ से कैसे चला गया इसका भी लोगों ने तज्ज़िया किया है इकबाल ने भी तज्ज़िया किया है वो एक शैतान और शैतानी क़वतों ने बड़ी मेहनत से इस बात का प्लान किया कि इसके उरूज और इकबाल का असल सबब ये है कि ये कुरान को पकड़े हुए है तो अब इसे क़ुरान को छुड़वा करके मस्त कर दो ज़िक्र फिक्रे सुबह गाही में इसे और पुख्ता कर दो मिजाज खान का ही में इसे इस मिजाज ख़ान ने कुरान से उस रिश्ते को बहुत कमज़ोर किया और इस हद तक कमज़ोर किया कि अगर आज हम अपने मुसलमान हलकों में मुसलमानों के दरमियान ये कहें कि हमारा रिश्ता कुरान मजीद से कमज़ोर हो गया है सरिश्ते कुरान हमारे हाथों से छूट गया है तो कोई मानने को तैयार ना होगा इसलिए कि उसके आँखों के सामने मनाजिर ये हैं कि हमारी बच्चे की तालीम का आगाज़ कुरान मजीद की तालीम से होता है कुरान की तालीम के लिए हज़ारों मदारिस का जाल फैला हुआ है रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों हाफिज़े कुरान निकल रहे हैं हमारी हर महफिल का आगाज़ कुरान मजीद की तलावत से होता है हमारे मिंबर पर उसका तस्करा है हम लोग खैर बरकत के लिए कुरान से ही रुजू करते हैं हम अपने मुर्दों की मफ़रत के लिए कुरान खानी को वास्ता बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या कि हर जगह गोया कुरान से तो हम चिमटे हुए हैं अगर हमारे कुरान पर कोई एतराज़ कर दे हमारे कुरान की शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो हम उस पर जान निसार करने के लिए तैयार हैं इतनी गहरी वबस्तगी के बावजूद ये कहना कि ये कुरान का सा हमारे साथ हमारे ऊपर हमारे हाथ से छूट गया ये तो ज़्यादती की बात है इसी के बारे में इकबाल ने कहा है कि वाय नाकामी मताए कारवा जाता रहा कारवा के दिल से एहसास जिया जाता रहा जिस चीज़ को हमने छोड़ा हुआ है जो नेमत हमारे हाथ से निकल गई है उसके बावजूद हम इस ग़लत फहमी में मुतला हैं कि हम उसे पकड़े हुए हैं क़ुरान मजीद को कैसे पकड़ना है क़ुरान मजीद किससे कैसे जुड़े रहना है कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं तय कर सकते ये हमें क़ुरान नाजिल करने वाले से पूछना होगा ये हमें क़ुरान से पूछना होगा ये कुरान मजीद जिस पर नाजिल हुआ उससे पूछना होगा कुरान मजीद को रसूल पाक वसल्लम से बरह रास्त जिसने रिसीव किया है उसकी ज़िंदगी में हमें देखना पड़ेगा कि कुरान को पकड़ने का क्या मतलब है क़ुरान मजीद ने तो अपने बारे में ये कहा है अल्लाह ताला ने यह कहा है कि मैंने इस किताब को नाज़िर इसलिए किया है ले तो जन्ना से मनुमात कि ये घटा टोप तारीखियों से हिदायत की तरफ लाने वाली किताब है हिदायत का असल सामान हिदायत का असल ज़रिया दावत का बुनियादी नुस्खा ये किताब होगी कुरान ने तो अपने बारे में ये कहा कि ये नाजिल हुई है इसलिए कि लेत दब्बरु आयाति ही वले माशरे के जो अलबाब हैं वो अपनी सलाहियतें अपनी जहानतें अपनी तवानाइयां ये कुरान मजीद में गौर फिक्र में लगाएँ यहाँ से लालों को हर तलाश करें यहाँ से हिदायत का सामान तलाश करें यहाँ से उम भटकती हुई उम्मत को रही सही इंसानियत को सही रास्ते पर लाने की तदाबीर सोचें कुरान मजीद ने अपने बारे में ये कहा है कि वो शफाउल लिमाफ़ी सदूर है तुम्हारे दिलों में जो बीमारियाँ घर कर गई हैं तुम्हारे ईमान में जो कमज़ोरियाँ आ गई हैं तुम्हारे दिल में जो बहन पैदा हो गया है इस बीमारी का इलाज कुरान मजीद में है कुरान ने तो अपने बारे में ये कहा है कि ये ज़िक्रा है अल्लाह ने अपने रसूल को मुखातब करके कहा है कि नहु नहू लजिकल्का फ़फ़त सलून ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारी कौम के लिए याद दिहानी है और इसके बारे में तुमसे अल्लाह के हुजूर बासपुस होगी पूछा जाएगा कुरान मजीद ने तो अपने बारे में ये कहा है कि ये सरापा हिदायत है ये सरापा नूर है इतनी सारी बातें ये मालूम है इन बातों को अल्लाह के रसूल वसल्लम ने इसी तरह से इसको समझा और अपनी पूरी ज़िंदगी में क़ुरान को लेकर के इसी तरह से बिरता आपके हर फैसले में आपके हर इकदाम में आपकी चलत फिरत में क़ुरान ही झलकता है इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में हमें कुछ बताएं तो हजरत ऐशा रज़ी रज़ी आर यही बताया कि काना खुलगल फुर। कुरान वो तो कुरान मजीद की चलती फिरती तस्वीर थी कुरान ही उनके सामने असल था फैसला कुरान से सीरत कुरान से अखलाक़ कुरान से तालीम कुरान से कुरान असल मरकज़ बेहवर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अब थे उन्होंने अपने प्यारे रसूल को जिस तरह से कुरान मजीद को बिरतते देखा वैसे ही उन्होंने बिरता वो उलूल अलबाब थे उन्होंने एक एक आयत एक एक सुरह के फिक्र में मुदतः सर्फ की वो कुरान मजीद का कोई एक हुक्म उनके ऊपर नाजिल हो, नाजिल होता उसको आईना की तरह अपने सामने रखते और उसकी रोशनी में अपने किरदार को परखते अगर कोई दाग धब्बा दिखाई देता तो वो उसे दुरुस्त करते कई बार सहाबा के ऐसे वाक़ात मशहूर हैं कि कुरान मजीद की आयत नाजिल होती और उसके बाद मचल उठते कि ये सिफत अल्लाह वालों की है अल्लाह के महबूब बंदों की है और ये सिफत हमारे अंदर नहीं कुरान मजीद के बारे में अल्लाह के अल्लाह कुरान मजीद के रिकार्ड पर यह बात है कि ये असहाब रसूल जब कुरान मजीद को सुनते थे वहीदा समय माऊ रसूल तरा आफीजो मदम एक मारफु मेर हक़ उसमें हक़ के विजदान से उनकी आंखों से आंखें तरफ हो जाती आंसू टपक पड़ते वो कुरान मजीद को सुनते तो उनकी भरकटे खड़े हो जाते ये सहाब कराम की कैफियत होती तो कुरान मजीद का हक जिन लोगों ने पहचाना क़ुरान मजीद को जिन्होंने अपनी तमाम एक्टिविटीज़ का मरकज़ मेहर बनाया तो कुरान मजीद से वो इस तरह से सलूक करते थे हम जो क़ुरान मजीद से सलूक करते हैं और क़ुरान मजीद से जो मोहब्बत करते हैं हमारा ये सलूक हमारी ये मोहब्बत बसाहिर बिल्कुल रस्मी सी है महफिल किसी तरह की भी हो आगाज़ कुरान मजीद से होगा मरने वाला कैसा भी हो अब कुरान खानी उसकी बख्शिश करवा देगी दुकान हम किसी हराम काम के कारोबार के लिए खोलें आगाज़ उसका तिलावत कुरान पाक से होगा ये कुरान मजीद की तोहन है ये कुरान मजीद का हक़ नहीं है लेकिन उसको छोड़ करके अगर हम इस बात पर गौर करें कि इस वक्त हमारे माशरे में क़ुर मजीद का इल्मी दुनिया में संजीदा दुनिया में क्या इस्टेटस है क़ुरान मजीद को जिन मदारिस का हम ये तस्करा करते हैं कि वो कुरान मजीद की तालीम के लिए और ग़ौर के लिए कायम हुए हैं उनके यहाँ कुरान मजीद की कितनी अहमियत है उनके निसाब उनके निसाबात को अगर हम देख लें उनके यहाँ की मशगूलियात को हम देख लें उनके इफ्ता की सरगर्मियों को हम देख लें तो उसमें क़ुरान ऊपर दिखाई नहीं देता उम्मत की और उम्मत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि कुरान सबसे ऊपर होता हम अपने हर मसले में कर्न की जानब रुजू करते इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में कई बार ऐलान किया है वो मल्लम यकुम भी मान ज्लाई कहमल काफरून वो मल्लम यकुम भी मान ज़लल्ला केमलून व ममलम यकुम भी मानल्लाई कहम ज़ालि जो कुरन मजीद को हकम ना बनाए वो काफ़िर है वो ालिम है वो फासिफ़ है हम अगर अपने निज़ाम तरबियत को देखें हम अपने मम्बर को देखें हम अपने उलमा के खताब को देखें हम अपनी जिंदगियों और अमूमी अखलाक़ को देखें तो इसमें कहीं कुरान मजीद की मरकजियत नहीं दिखाई देती निसब तालीम का मैंने गहरा तज़िया किया है मदारस के नाब तालीम का बड़ी बेतदालियाँ उसमें हैं ख़ुद कुरान मजीद की तालीम में गौर फिक्र पर जो वक्त देना चाहिए उससे ज़्यादा वक्त हम खुश इल्हानी पर देते हैं कि कुरान मजीद को ख़ुश इल्हानी से पढ़ा कैसे जाए उसकी अदायगी कैसे की जाए मानी क्या हैं उसके लालो गुहर क्या हैं उसमें हिदायत का सामान क्या है उससे मसाइल का इस्तेमाल कैसे होगा जिस चीज़ को, को ज़्यादा तवज्जो चाहिए थी उससे कम तवज्जो इस बात पर है आज सुबह एक बड़े साइंसदा से मेरी बात हो रही थी वो कुरान मजीद से भी बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो उन्होंने अलामा मश्रक़ी का एक वाक़ा सुनाया वाक़ यह कि मशरी लंदन की सड़कों पर जा रहे थे उनके एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बड़े दोस्त थे जो नोबिल इनाम याफ्ता थे वो सामने से आ रहे थे बारिश हो रही थी और छतरी बगल में दबाए हुए थे और बारिश से बचने की कोशिश नहीं कर रहे थे इन्होंने कहा कि हुज़ूर क्या बात है ये बारिश हो रही है और आप छतरी बगल में दबाई कहने लगे अच्छा बारिश हो रही है निकाला और रूम खोल लिया कहने लगे तो छतरी आपने क्यों नहीं खोली कहने लगे कि मैं असल में जिस बात पर रिसर्च कर रहा था उस पर इतना डूबा हुआ था कि मुझे पता नहीं चला कि बारिश हो रही है तो पूछा कि हज़रत जा कहाँ रहे हैं कहने लगे चर्च आ रहा हूँ कहने लगे साइंस पर आप कितने बड़े माहिर और चर्च में जा रहे हैं वहाँ आपको क्या मिलेगा कहने लगे कि जब मैं कायनात पर गौर फिक्र करता हूँ कुदरत की निशानियों पर गौर करता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा तरह है जो ये करती है जब ये एहसास मेरा जागता है तो मैं चर्च में चला जाता हूँ तो उनका अच्छा तो मैं आपको क़ुरान मजीद की एक आयत सुनाऊँ का सुनाइए तो मशरक़ी उनसे उन्हें आयत सुनाई इन नमा यक्षबाद ये आयत सुनकर वो साइंसद मचल उठा कि ये कुरान मजीद की आयत है कि उलमा कुरान पढ़कर लरज उठते हैं खशियत इलाही का जरिया यह बनती है बिला शुभाई अल्लाह की किताब है मैं ऐलान करता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि बिला शुभाई अल्लाह की किताब है काफिर वो आयत सुनकर के लरज उठा हम लोग अपने ओलमा की महफिलें देखते हैं अब आज के जमाने में देखने के और बहुत सारे सामान आ गए हैं मैंने नातों की महफिलों में ओलमा को आंसू पोछते देखा है मैंने ओलमा की तस्करों में बयानात में लोगों को रोते और आहें भरते देखा है मैंने तरबियती निजाम में तरबियती बातों पर लोगों को आहें भरते देखा है लेकिन मेरी आँखों में ऐसा कोई मंजर नहीं है कि ये कुरान मजीद पढ़ा पढ़ा जाए और हमारा आज का आलिम रो पड़े उसकी क़ुरान मजीद की समात उसके रोंगटे खड़े कर दे उसकी जिल्दों को हिला दे उसकी आँखों से आंसू को रवा कर दे इसका मतलब ये हुआ कि क़ुरान हमारे जहन में हमारी एक्टिविटीज़ में उसको जो मरकज़ियत हासिल होनी थी उसे वो मरकज़ियत हासिल नहीं रही तो फिर यही कहा जाएगा खैरत ने कह दिया ला ला तो क्या हासिल दिलो दिमाग़ मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं हमें अगर फिर से सरफराजी अज़ीज़ है हमें फिर से इकबाल अजीज़ है उम्मत मुस्लिम को फिर से अपने माजी में अगर वापस जाना है तो उसका वाद नुस्ख़ा ये है कि क़ुरान से रजू किया जाए अपनी ज़िंदगी में अपने मताले में अपने निसाब तालीम में अपने निज़ाम तालीम में अपनी रिसर्च में कुरान मजीद को मरकज़ महवर बनाया जाए हम ख़ार हुए हैं तारीख़ कुरान होकर और हम सरफराज हो सकते हैं कुरान बन करके बड़ी ख़ुशी की बात है कि पिछले दिनों चंद दहाइयों से रुजू अल क़ुरान की नई मुहिम शुरू हुई है ख़ास तौर से आलम इस्लाम में बीसवीं सदी के आख़िर में उठने वाली तहरीकात ने रुजू अल कुरान को अपनी अपने निज़ाम का अपने नस्बुल आयन का बुनियादी हिस्सा बनाया हिंदुस्तान में बड़े सग़ी में तहरीक इस्लामी ने मिस्र में इख्वान ने और दूसरी और जमातों ने इस खोए हुए रास को पा लिया और उन्होंने अपने नस्बुल आयन में बुनियादी बात ये रखी कि हमारी तमाम एक्टिविटीज़ का हमारी सरगर्मियों का मरकज़ और महवर कुरान होगा और उस एतबार से फिर कुरान की तरफ रुजू करने के लिए मुहिम का आगाज़ हुआ तराजम सामने आए तफासिल लिखी गई और अब उनकी जो दा, दावत के लिए तरगीब तरबियत के लिए तरगीब के लिए जो लिटरेचर तैयार होना शुरू हुआ उनका उसका मरकज़ और महवर कुरान को बनाया गया उम्मीद ये की जाती है कि इन अगले दिनों में इन तहरीक को कबूलियत हासिल होगी और एल कुरान की जो मुहिमात जिन महिमात का आगाज़ हुआ है ये माशरे पर असरानंदाज़ होगी और उम्मत के ऊपर जिल्लत का इतबार का नुकबत का खारी का जो दाग है अल्लाह ताला हमें इस बात से अता फरमाएगा आज एक और एतबार से हम सब लोग जो बड़ी आजमाइश में मुबतला है ये वबाई फैजा की जो आजमाइश है मौत का नंगा नाच आंखों के सामने एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है ये बजाय खुद बहुत बड़ी तंबी है के लिए कि इंसानियत का दिल इस वक्त कप कपा रहा है उसे हिदायत की तलब उसकी बढ़ रही है उसे पनाह के लिए कहीं साया चाहिए इस घटाटोप तारीकी से निकलने के लिए उसे नूर चाहिए रोशनी चाहिए जिन लोगों के हाथों में ये टार्च है ये नूर है जो इसके हामिल होने का दावा करते हैं उनकी ज़िम्मेदारी इस दौर में और बढ़ती है कि इस किताब हिदायत को सीनों से लगाएँ इस किताब हिदायत को लोगों की आंखों के सामने लाएं इस किताब हिदायत के ज़रिए इस नरम दिल को पर उसकी आबियारी करें और उसको कुरान की रोशनी से सैराब करें कि ये मौका भी हमारे लिए बहुत साजगार है हम लोग मौजूद तय करते वक्त बज़ दफ़ा जो अशार का सहारा लेते हैं तो उसमें अगर हम इकबाल को हाल ही इस एतबार से भी पढ़ें कि उन्होंने उम्मत के रूज और इतबार के लिए क्या का, क्या 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 कहा है तो बहुत कुछ उसमें हमको मिलेगा कि गवादी हमने जो असलाफ़ से मीराश पाई थी सुरिया से ज़मीन पर आसमाने हमको दे मारा तो ये जो असलाफ से हमको जो मीराश मिली थी वो कुरान मजीद की रोशनी में तैयार की हुई वो रोशन तारीख है उस तारीख़ में वापस जाने के लिए हम लोगों को कोशिश भी शोरी करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान मजीद का मर्तबा और मकाम पहचानने की तोफ़ी अता फरमाए हमसे जो कोताही हुई है वो दरगुजर फरमाए और कुरान का जो हक़ है उस हक़ को पहचान करके वो हक़ अदा करने की तोफ़ी अता फ़रमाए آمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين